हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू प्रीति फॉर रिक्वेस्टिंग दिस टॉपिक विच इज कॉल्ड एज वीनर थ्री डायमेंशनल एट्रीब्यूशन थ्योरी थ्री डी एट्रीब्यूशन थ्योरी भी कहते हैं तो इस पूरे लेक्चर में हम वीनर की थ्योरी पर वैसे फोकस करेंगे बट साथ साथ में आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा दट वॉट इज एट्रीब्यूशन थ्योरी एट्रीब्यूशन थ्योरी है क्या और यह कैसे काम करती है कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिसके थ्रू मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा तो लेट इस बिगन सो लेट्स टॉक अबाउट वॉट इज एन एट्रब्यूशन थ्योरी एट्रीब्यूशन थ्योरी है क्या उसके बारे में बात करते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी एक्सप्लेन्स

बिहेव का मतलब है हमें गुस्सा आ रहा है बिहेवियर का इज रिलेटेड टू मोर लाइक एक्शन राइट हम जैसा एक्ट करते हैं बिहेवियर इज मोर लाइक एक्ट तो आप जैसा एक्ट करते हो उस एक्ट के पीछे जब हम मीनिंग को ढूंढने निकल पड़ते हैं कि आखिर जो किसी ने कुछ किया तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है किसी ने ऐसा क्यों किया चाहे वो हमारे अपने बिहेवियर को लेकर हो चाहे हम किसी और के बिहेवियर को लेकर बात करें जब हम उसमें मीनिंग अटैच करते हैं तो वहां से एट्रीब्यूशन थ्योरी बनता है अब एट्रीब्यूशन थ्योरी में बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है लाइक कर्ट लुइन जिन्होंने चेंज के ऊपर भी बहुत काम किया था यह जुलियन लॉटर यू हैव जॉन एटकिनसन हैव फ्रिड्स हीटर एंड हैर सो मेनी पीपल लेकिन इसमें से विनर की जो थ्री मॉडल थी वो काफी फेमस हुई थी इसीलिए उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जो फ्रिड्स हीटर थे first, इनको भी कहा जाता है बिकॉज ही वॉज द वन हु बेसिकली इंट्रोड्यूस दिस थ्योरी कॉल्ड एज एट्रीब्यूशन थ्योरी विनर ने प्रपोज किया था थ्री डायमेंशनल मॉडल तो ऑब्वियसली इसमें थ्री डायमेंशन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल इन द फील्ड ऑफ एट्रीब्यून थ्योरी तो एक बार देखते हैं कि इसके जो थ्री डायमेंशन है वो क्या थे बट उससे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या था इस मॉडल का सो बेसिकली वॉट मीनर डिड द डायमेंशनल मॉडल दैट पीपल ट्राई टू डिटरमाइन वाई वी डू एंड वॉट वी डू ऑब्वियस ऑबली बात है जैसा मैंने आपको बताया कि हम एट्रीब्यूशन थ्योरी में क्या करते हैं हम किसी भी बिहेवियर को एक मीनिंग देने की कोशिश करते हैं वी ट्राई टू अटैच मीनिंग टू अ बिहेवियर टू एन एक्शन सिर्फ दर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू एट वाई वी डू हमने क्यों किया उस चीज को हम जानना चाहते हैं प्लस किसी ने उस काम को क्यों किया हम उस चीज को जानना चाहते हैं एंड व्हाट वी डू हम क्या करने वाले हैं ये सारी चीजें भी इसमें थ्योरी में आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू विनर द वी विनरब्यूट टू आर बिहेवियर कैन इन्फ्लुएंस हाउ वी बिहेव इन फ्यूचर इसके अलावा विनर ने एक और बात कही वो ये कही कि हम किस तरह से एट्रीब्यूट करते हैं मतलब किस तरह से अपने बिहेवियर में मीनिंग को अटैच करते हैं वो चीज हमारे फ्यूचर एक्शन को भी इफेक्ट करती है मतलब आज जो चीज हम कर रहे हैं हम उसके साथ कैसी मीनिंग को अटैच कर रहे हैं पॉजिटिव मीनिंग मीनिंग है है नेगेटिव किस तरह का मीनिंग हम उसके साथ अटैच कर रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर बिहेवियर भी एक उससे अटैच हो जाता है कि हम उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे वो भी यहां पे इन्वॉल्व हो जाता है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हु फेल्स इन एन एग्जाम कुड हुट्रीब्यूट देयर फेलियर टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स

बहुत सारी चीजों के साथ एट्रीब्यूट करेगा बहुत सारे रीजन के साथ एट्रीब्यूट करेगा और वो जिस भी रीजन के साथ उसको एट्रीब्यूट करेगा ना उसकी वजह से उसका फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर मोटिवेशन इन्फ्लुएंस हो जाएगा हम इसी एग्जाम्पल के साथ आगे भी इस डायमेंशन को समझेंगे तो आई होप आपको ये वाली एग्जाम्पल फॉर द टाइमिंग समझ में आ गई

ट एग्जाम बिकॉज दे वेरेंट स्मार्ट इनफ एंड दिस इज अ स्टेबल फैक्टर अब यहां पर क्या मतलब हुआ कि अगर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो इसलिए फेल हो गया बिकॉज ही इज नॉट स्मार्ट इनफ वो इतना होशियार ही नहीं था कि वो इस एग्जाम को पास कर सकता है अब यहां पर जो फैक्टर यूज हो रहा है जिस कॉल स्टेबल स्टेबल का मतलब परमानेंट फैक्टर परमानेंट फैक्टर का मतलब क्या है कि रातों रात कोई स्मार्ट नहीं हो जाएगा राइट right? तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं इतना होशियारी नहीं हो कि मैं इस एग्जाम को पास कर सकूं मेरी इतनी ही नहीं है कि मैं इस एग्जाम को पास कर सकूं सो व्हाट विल हैपन देयर इज स्टेबल फैक्टर व्हिच इज

और उस चीज को वो एक उस चीज का जो एट्रीब्यूशन है कि वो क्यों अच्छा कर रहा है तो उसका वो एक परमानेंट फैक्टर को देता है परमानेंट फैक्टर को मतलब देने का मतलब क्या है कि वो ये मानता है कि वो वो सच में में कैपेबल है है उस उस काम को करने के लिए इसी वजह से चीज कामयाब हुआ दैट इज तो उससे क्या होगा उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी खुद से उसको लगेगा कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं मैं अगर ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं इसीलिए जो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं वो बहुत जगहों पर अच्छा करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव एट्रीब्यूशन को अटैच कर लेते हैं अपने एक्शंस के साथ राइट एंड दस द हायर मोटिवेशन उनका मोटिवेशन भी हाई होगा और उनका सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा ऑन द अदर साइड अगर निगेटिव सिचुएशन आ जाएगी इन सिचुएशन में क्या होगा सच एज फेलिंग एन एग्जाम अगर एग्जाम में फेल हो गए स्टेबल एट्रीब्यूशन कैन लीड टू लोअर एक्सपेक्टेशन अगर हम इसी एग्जाम्पल को ले लें कि अगर स्टूडेंट ये मान लेता है कि वी आर नॉट कैपेबल इनफ हम ये कर ही नहीं सकते तो क्या होगा एक परमानेंट फैक्टर बन गया परमानेंट फैक्टर बन गया तो उससे क्या होगा उसका मोटिवेशन हमेशा के लिए लो हो जाएगा और वो आने वाले एग्जाम्स में भी उतना अच्छा नहीं करेगा तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम एट्रीब्यूशन किस तरह का ले रहे हैं स्टेबल फैक्टर को मान रहे हैं एट्रीब्यूशन या अनस्टेबल फैक्टर को मान रहे हैं आई होप द स्टेबिलिटी पॉइंट इज क्लियर

वर नॉट स्मार्ट इनफ और हमारी खुद की या मैंने मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम मैं अपनी रीजन की वजह से फेल हुआ हूं तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपको एनालाइज आप कर लेंगे कि आपकी गलती कहां है राइट right? लेकिन चूंकि हम यहां पर क्या ले रहे हैं example में आई एम नॉट स्मार्ट इनफ तो तो अगेन हम परमानेंट फैक्टर को consider कर रहे हैं तो उसकी वजह से मोटिवेशन लेवल क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा जैसा मैंने आपको लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी दिया था ऑन द अदर साइड अगर हम अपने फेलियर को एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ फेंक देते हैं हम ये मानते हैं कि हम इसलिए फेल हुए क्योंकि टीचर ही हमें फेल करना चाहता है ये टीचर की गलती है मेरी गलती है ही नहीं एग्जाम का पेपर जानबूझकर टफ आया मैं लेट हो गया मतलब एक्सटर्नल रीजंस को हम दे रहे हैं तो वहां पे क्या होगा हमारा मोटिवेशन को कोई असर नहीं पड़ेगा हमारा कोई मोटिवेशन ड्रॉप नहीं करेगा बिकॉज हमने अपनी गलती मानी ही नहीं है और इसी वजह से कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा राइट ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अच्छी अच्छी चीजों का क्रेडिट ले लेते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी को सिंपल तो समझने का हमेशा एक ही लाइन याद रखता हूं सो मेनी पीपल उसे दैट

आप किस तरह के फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं आप अपनी गलती मानते हैं या बाहर के लोगों की या बाहर की चीजों की गलती मानते हैं दैट डिटरमाइंस योर लोकस ऑफ कंट्रोल लेट्स कम टू द थर्ड वन एंड दैट इज कॉल्ड कंट्रोलेबिलिटी कंट्रोलेबिलिटी का मतलब क्या होता है इट रिफर्स टू वेदर और नॉट द कॉज ऑफ एनी इवेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लर्नर अब कोई भी लर्नर है या कोई भी पर्सन है सिचुएशन कई बार उसके कंट्रोल में होती है कई बार सिचुएशन उसके कंट्रोल में है ही नहीं तो एक सिचुएशन कितना कंट्रोल किया जा सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन को कितना कंट्रोल कर सकता है और या कितना कंट्रोल नहीं कर सकता इससे भी एट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है फॉर एग्जाम्पल उसी अब मेंशन एग्जाम्पल के साथ ही चलेंगे कि उस एग्जाम्पल में क्या हुआ था इफ ही बिलीव्स दैट ही कुड बेटर इन द टेस्ट कॉज इज कंट्रोलेबल अब स्टूडेंट अगर ये मानता है कि मैंने टेस्ट में अच्छा किया होता अगर मैंने और प्रैक्टिस की होती इसका मतलब क्या हुआ उसने अपनी एक तो गलती रियलाइज कर ली इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया प्लस इसके अलावा उसको यह भी लगता है कि यह सिचुएशन जो हुई है ये कंट्रोल की जा सकती थी मैं प्रैक्टिस करके इसको कंट्रोल कर सकता था आई कुड प्रैक्टिस किया होता ऑन द अदर साइड कई बार क्या होता है हमें ऐसा लगता है इफ इट डाउट इज एबिलिटी अगर उसको अपने मैथमेटिक्स का टेस्ट है और मैथ्स के टेस्ट पे ही उसको डाउट है उसको अपने एबिलिटी पे ही डाउट है तो कॉज क्या है अनकंट्रोलेबल हो गया उसके बाद वो कंट्रोल करना भी चाहेगा तो वो कंट्रोल नहीं होगा दैट इज वाई वी से ऑलवेज दैट सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ बैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जिस दिन ये समझ लेते हैं कि हमसे ये काम होगा ही नहीं या ये चीज हम कर ही नहीं पाएंगे तो उस दिन ही अनस्टेबल उसी दिन एक स्टेबल फैक्टर उसी दिन एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल उसी दिन एक अनकंट्रोलेबल एट्रीब्यूशन को हम हर चीज के साथ अटैच करने लग जाते हैं हम दूसरों की गलतियां ढूंढने निकल पड़ते हैं than, or we समझ में आ गया होगा कि विनर का थ्री डी मॉडल क्या है थ्री डी मॉडल में थ्री डायमेंशन है स्टेबिलिटी लोकस ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोलेबिलिटी इसके अलावा भी काफी लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है अगर और किसी का भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आई विल डेफिनेटली मेक और वीडियो ऑन इट एक लेक्चर उसके ऊपर भी बना देंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें नॉलेज को शेयर करने से सबका फायदा होता है इट विल बी रियली हेल्पफुल इफ यू कैन जस्ट शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स आई विल अपलोड दिस वीडियो इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सेक्शन वहां से आपको ये इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सुन